हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और अगर आपको टाइटल से नहीं पता चल गया ये वीडियो किस बारे में है तो थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। और अगर आपने मेरा शॉर्ट्स चैनल का जो वीडियो है वो देख के आए हो तो डिस्क्रिप्शन से अगर लिंक से आए हो तो इवन बेटर, सब्सक्राइब कर दो यार वीडियोस के लिए फुटबॉल के। फाइनली सो मैंने गेमिंग सेटअप अपना ले लिया है। पीछे जो रखा है आपको गेमिंग सेटअप दिख रहा है। और इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या मैंने लिया है, क्या क्या कंपोनेंट्स थे, कहाँ से मैंने ऑर्डर किया है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मैं बताने वाला हूँ आपको। और बाय द वे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मदरबोर्ड से। तो गाइस मैंने मदरबोर्ड मंगाया है MSI कंपनी का, तो जो कि है इसका नाम है प्रो B660MA वाईफाई DDR4। यानी कि जो इनिशियली मैंने मदरबोर्ड मंगाया था, मतलब मंगाया नहीं था, जो मेरे पीसी बोल्ड बिल्ड में था। बाय द वे कंपनी का मैंने इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं है। मैंने अपना जो गेमिंग कंप्यूटर है वो मैंने एलीट हब्स पीसी की तरफ से मंगाया, तो मुंबई बेस्ड एक कंपनी है काइंड ऑफ, तो प्री बिल्ड पीसी वो पूरा आपको बना के देते हैं और दूसरे गेमिंग प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे मिलते हैं। तो एलीट हब्स आप चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बाद में बिल्कुल बनाने वाला हूँ। तो या एलीट हब्स की तरफ से मैंने ये पीसी बिल्ड करवाया है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे एक कोटेशन दिया था उनकी तरफ से कि मैंने बताया था कि मेरा 1 लाख to 1.5 लाख का बजट है, तो इसके बीच में आप मुझे क्या बिल्ड करके दे सकते हो। तो उन्होंने मुझे एक कोटेशन भेजा कंपोनेंट्स के साथ में पूरा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि मॉनिटर और पेरिफेरल्स जैसे कीबोर्ड एंड माउस ये सब चीज़ बिल्ड में इंक्लूड नहीं होते। तो जो सीपीयू होता है, जो यहाँ पे दिख रहा है, जो सीपीयू होता है उसके अंदर के जो जितने पार्ट्स होते हैं वो एक गेमिंग पीसी के बिल्ड में काउंट होते हैं। सो या तो बिल्ड में सबसे पहले मदरबोर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, तो प्रो B660MA वाईफाई DDR4। तो इनिशियल जो मुझे कोटेशन मिला था एलीट हब्स की तरफ से, उसमें जो वाईफाई DDR यानी कि वाईफाई ब्लूटूथ उसका ऑप्शन नहीं था, एक प्लेन मदरबोर्ड था, वाईफाई एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं था। तो आजकल तो भाई वाईफाई एंड ब्लूटूथ के बिना काम चलता किसका है, मोबाइल्स में हर जगह वाईफाई ब्लूटूथ, यहाँ तक कि अगर गंदे से गंदा फ़ोन लोगे या लैपटॉप लोगे उसमें भी वाईफाई ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल ही जाता है। सो अगर वाईफाई ब्लूटूथ ना लो तो सेंस नहीं बनता है। तो वो थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया कोटेशन में एंड मैंने ले लिया ये MSI का। तो ये तो हो गया मदरबोर्ड, इसको बाजू में रखता हूँ। इसके बाद बात आती है मास्टर लिक्विड कूलर। तो जो कूलर होता है वो मास्टर लिक्विड कूलर, कूलर मास्टर का है 240L कोर ARGB, यानी कि ये जो लाइट्स दिख रही है आपको RGB लाइट्स है, तो यानी कि ये जो कूलर है RGB लाइट्स के साथ मिलता है। तो ये हो गया एक कूलर, इसका ज़्यादा कुछ इतना देखा तो परफॉर्मेंस वाइज इतना कुछ असर नहीं पड़ता है, बट इट्स कूलर, सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पीसी को ठंडा रखने के लिए ऑब्वियसली। सो ये हो गया कूलर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस होती है एक पीसी में ग्राफिक कार्ड, यानी कि GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट या फिर ग्राफिक्स, जिसके वजह से गेम्स चलते हैं। और नॉर्मल लैपटॉप या कंप्यूटर में आप गेम्स नहीं खेल सकते हो, ग्राफिक कार्ड ऐड करेंगे तो आप खेल सकते हो। तो ग्राफिक कार्ड के भी बहुत से टाइप्स आते हैं, गीगाबाइट और फिर ROG ASUS, मतलब जो भी है बहुत सारी कंपनीज होती है, ZOTAC, तो इनके अलग अलग डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स है। तो भाई मैंने मंगाया है जो ग्राफिक कार्ड वो है गीगाबाइट 4070 RTX 4070। तो इसकी मैंने काफ़ी रिसर्च करी है, कोटेशन में तो मुझे ऑलरेडी मिल गया था, लाइक प्री बिल में ही मिला था कि RTX 4070 डालो एलीट हब्स की तरफ से। सो मैंने थोड़ा टाइम लिया, 3-4 दिन रिसर्च किया, यूट्यूब पे कंपैरिजन किया गेम्स को, लाइक जो टेस्ट होते हैं यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स हैं तो टेस्ट रन करते हैं डिफरेंट ग्राफिक कार्ड पे, आप भी चेक कर सकते हो। सो उस पर मैंने देखा कि कैसा परफॉर्मेंस है, तो RTX 4070 मुझे ठीक लगा, मेरे बजट में भी है, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया। और पीसी बिल्ड में बेसिकली RTX 4070 रहने दिया, कोई चेंजेस नहीं किया। सो या RTX 4070 है ग्राफिक। इसके अलावा ये तीन चीज़ हो गई मेन गाइस, CPU में मेन ये तीन चीज़ होती है। इसके अलावा एक चीज़ होती है वो है हमारा प्रोसेसर। तो प्रोसेसर जो है वो मैंने इंटेल का मंगाया, ये प्रोसेसर नहीं है, ये है एक पावर सप्लाई, यानी कि पावर सप्लाई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 750 वॉट पावर सप्लाई। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो MWE ब्रॉन्ज V2, तो इसमें दूसरे भी वर्जन्स आते हैं जैसे कि गोल्ड आता है, तो मैंने ब्रॉन्ज लिया है, ऐसा नहीं, ब्रॉन्ज भी अच्छा ही होता है। और ये भी कूलर मास्टर की तरफ से है। इसके अलावा प्रोसेसर की बात करते हो तो प्रोसेसर मुझे इन्होंने बॉक्स में डाल के दे दिया है, हालांकि CPU में सब मेरे कंपोनेंट्स चले गए तो प्रोसेसर इन्होंने इसमें डाल दिया। तो प्रोसेसर गाइस मुझे मिला है, दो तरह के बिल्ड आते हैं प्रोसेसर के, एक होता है AMD जहाँ तक मुझे पता है गेमिंग में, और एक होता है इंटेल बिल्ड।
तो मैंने काफ़ी लैपटॉप प्रीवियस जो मैंने लैपटॉप कंप्यूटर यहाँ पे रखा ही है मेरा लैपटॉप एचपी का, सो उसमें जो आईफाई के प्रोसेसर ही मैंने ज़्यादा यूज़ किया है और इंटेल के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो मुझे लगा इंटेल का ही डाल देता हूँ। एएमडी का भी फिलहाल ट्राई नहीं करेंगे, फिर कभी मे बी इन फ्यूचर। तो आईफाई 13400F जो प्रोसेसर है ये मैंने यूज़ किया है। यस, तो ये हो गया प्रोसेसर, तो मेन चीज़ तो सारी पूरी हो चुकी है, प्रोसेसर भी होगा। ये गया हमारा पावर सप्लाई 740 MWE। इसके बाद जो पेरिफेरल्स होते हैं यानी कि कीबोर्ड और माउस, तो वो तो आप रैंडम कोई भी कंपनी के चूज़ कर सकते हो। सो रेजर का मैंने माउस मंगाया, रेजर दैट एडर ग्रीन कलर का है, मस्त ऐसे ग्रीन लाइट आती है गाइज यहाँ पे, इसमें से लाइट्स आती है ग्रीन, और रेजर काफ़ी नोन रिनोन कंपनी है गेमिंग के उसमें, तो ये हो गया मस्त है। इसके बाद कीबोर्ड जो है गाइज वो है कूलर मास्टर का, वंस अगेन आई एम सॉरी कॉस्मिक बाइट का है, तो कॉस्मिक बाइट का है ये कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड विद आरजीबी लाइट्स। ऑब्वियसली गेमिंग हो और आरजीबी लाइट्स ना हो तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। सो ये था मेरा कंप्लीट पीसी बिल्ड। इसके अलावा अगर बात करूँ तो जो मैं चेयर पे बैठा हूँ, ये चेयर मुझे पड़ी है 12,500 में, और जैसे कि आप ब्रांडिंग देख सकते हो ड्रोगो की चेयर है गाइज, ये अमेजोन सेल में मुझे मिली थी। इसके अलावा एक दूसरी चेयर थी कोर्सेयर करके कंपनी जो है उसकी, बट ड्यू टू सम रीज़न आई डोंट नो, वो मालाड यानी कि जहाँ मैं रहता हूँ तो वहाँ पे उनकी डिलीवरी नहीं थी, आप पता नहीं उनकी लॉजिस्टिक्स इशू थी या उनके पास चेयर्स नहीं थी, पता नहीं। मैंने काफ़ी दूसरे पिन कोड भी ट्राई किए बट कोर्सेयर की चेयर वहाँ पे भी नहीं आ रही थी। वो 10,000 में थी, ये 12,500 में है, लेकिन डिफरेंस ये था गाइस कि कोर्सेयर की जो चेयर है उसमें ये जो हेडरेस्ट आपको दिख रहा है ये हेडरेस्ट नहीं था, और इसके नीचे भी एक छोटा सा पेलो काइंड ऑफ कुशन थिंग है, तो वो नहीं था कोर्सेयर की चेयर में। तो दैट एक्सप्लेन्स कि मे बी उसका प्राइस 10,000 क्यों था और इसका 12,500 क्यों है। सो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है, ऊपर नीचे भी होती है चेयर, लाइक यू कैन एडजस्ट द हाइट एंड ऑलमोस्ट। अगर आपने प्यूडीपाई का चैनल देखा है, प्यूडीपाई के सब्सक्राइबर हो तो जैसे प्यूडीपाई वो मीन करता है पूरी फ्लैट हो जाती है चेयर, ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाती है, आई थिंक थोड़ा सा एंगल बचता है ऑब्ट्यूज एंगल, इतना हो जाती है। सो उतना चलेगा, उतना कोई यूज़ भी नहीं है प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो। सो या चेयर भी काफ़ी अच्छी है, एंड ये जो वाइट कलर का टेबल देख रहे हो गाइस ये है 7500 में, मेडेसा करके कंपनी है, स्क्रीनशॉट मैं इस पर डाल दूंगा। तो मेडेसा करके कंपनी है, उन्होंने उनकी तरफ से 7500 का मैंने ये लिया, ये भी मुझे अमेजोन की सेल में ही मिला था, तो सेल में काफ़ी मेरा फ़ायदा हो गया। एक्चुअली मैं वेट ही कर रहा था कि सेल जब आएगी तो मैं बाय कर लूँगा। और दोनों की एक चीज़ बता दूँ कि ये हमको खुद से ही लाइक बिल्ड करना पड़ता है, जितने भी पार्ट्स आए थे चेयर और टेबल दोनों ही मैंने खुद से पूरा बिल्ड किया है, 2-3 घंटा ऑलमोस्ट मुझे लगा बिल्ड करने के। तो अगर आप अकेले बिल्ड कर रहे हो तो कर तो सकते हो, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट दो लोग रहे तो काफ़ी आसान रहता है, वरना डिपेंड्स कि आप बिल्ड कैसे हो, अगर ज़्यादा थिन हो आप तो मे बी आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो या ये हो गया मेरा कंप्लीट पीसी बिल्डअप। सो बात करते हैं मेरी गेमिंग चैनल की या फिर नॉर्मल चैनल, अगर मैं फुटबॉल के वीडियोस बनाता था ऑब्वियसली और बनाऊंगा, बट अब मैंने गेमिंग पीसी ले लिया है, तो गाइज मेरे प्लान्स में है कि मैं स्ट्रीमिंग भी करूँगा फीफा गेम की एंड गेम के भी पिक्स अपलोड करूँगा। सो फुटबॉल तो कॉमन थीम रहेगा ही मेरी चैनल पे। दूसरी चीज़ है मेरा चैनल का नाम नाम का इंजीनियर, इसके पीछे जैसा कि आप नाम समझ रहे हो नाम का इंजीनियर, तो नाम में ही मतलब आंसर है कि ये चैनल का नाम क्यों है नाम का इंजीनियर, बिकॉज आई मीन इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड स्टडीज़। सो या तो नाम का इंजीनियर हो गया चैनल का नाम, एंड फुटबॉल के वीडियोस मैं बनाते रहूँगा, एंड अभी धीरे धीरे वापस स्टार्ट कर लूँगा फुटबॉल के वीडियोस, एंड इंटरनेशनल वर्ल्ड फुटबॉल यानी कि प्रीमियर लीग, ला लीगा, चैम्पियंस लीग, ये सब भी मैं ज़्यादा कवर करूँगा, एंड इसके अलावा कुछ स्टोरीज एनालिसिस वगैरह भी करके बताऊँगा, एंड इंडियन फुटबॉल तो कवर होता ही रहेगा। सो गाइज इफ़ यू वॉन्ट टू सी दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इसके अलावा एलिट हब्स जो कि कंपनी है उसका मैं